हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया यूट्यूब चैनल। आज के एपिसोड नंबर 23 में हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंपॉर्टेंट सब टाइप्स ऑफ मस्केरिनिक रिसेप्टर। मस्केरिनिक रिसेप्टर के जो की इंपॉर्टेंट सब टाइप्स है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, यहां पे मस्केरिनिक रिसेप्टर के तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स है, M1, M2, M3। एक एक करके हम इन्हें समझ लेते हैं। लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ M1 रिसेप्टर। दे आर स्पेशली लोकेटेड इन ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसका जो गैंग्लिया होता है, दो न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन होता है वहां पे ये प्रेजेंट होता है। इट कॉजेस डीपोलराइजेशन। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए मदद करता है, एंड दैट इज नथिंग बट डीपोलराइजेशन। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दी गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है यहां पे भी वो प्रेजेंट होता है। इट कॉजेस रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड रिलीज ऑफ एसिड। मतलब ये एसिड सिक्रीशन में एज वेल एज हिस्टामिन के रिलीज में मदद करेगा। एंड इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड विच कॉजेस लर्निंग, मेमोरी एंड मोटर एक्टिविटी। सीखने के लिए, मूव करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए M1 रिसेप्टर हमारी मदद करेगा। एंड उसका जो नेचर है वो है GQ प्रोटीन कपल्ड टाइप। मतलब ये GPCR रिसेप्टर कैटेगरी में आता है एंड ये GQ पाथवे को फॉलो करता है। व्हाट आर द सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल इन GQ रिसेप्टर पाथवे? कैन एनीवन नो? IP3 एंड DAG। चलो M2 रिसेप्टर। M2 रिसेप्टर इज लोकेटेड ऑन हार्ट, स्पेशली ऑन SA नोड। इट कॉजेस हाइपर पोलराइजेशन। तो ये क्या करेगा, जो हमारा मसल प्रेजेंट है हार्ट के अंदर जिसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल, तो उसको वो हाइपर पोलराइज कर देगा। और जब भी कोई चीज हाइपर पोलराइज हो जाती है या हाइपो पोलराइज हो जाती है तब उस केस में उस सेल की एक्टिविटी हो जाती है कम। तो इट विल कॉज डिक्रीज इन रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन। तो M2 के कारण जो हार्ट के अंदर इम्पल्स जनरेट होते हैं वो कम हो जाएंगे। ऑन AV नोड इट कॉजेस डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन। तो जब ये जो M2 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है AV नोड के साथ, तो वहां पे डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन होगा। मतलब SA नोड जो इंपल्स जनरेट करता है, जो AV नोड रिसीव करता है, तो उस केस में जो स्पीड होगी कंडक्शन की वो कम हो जाएगी। इन एट्रियम शॉर्टनिंग ऑफ एट्रियल फेस डिपोलराइजेशन विच डिक्रीजेस कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। मतलब ये क्या करेगा, एट्रियम के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्शन का एक्शन है उसे कम कर देगा। ऑन वेंट्रिकल्स इज डिक्रीजेस कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। तो यहाँ पे वेंट्रिकल्स का भी कॉन्ट्रैक्शन कम होगा। कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग्स इट कॉजेस डिक्रीज इन एसिटाइल कोलिन रिलीज। इट कॉजेस डिक्रीज इन रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो जहां पे भी कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट है वहां पे एसिटाइल कोलिन का सिक्रीशन कम करेगा। इन CNS इट कॉजेस ट्रिमर एंड एनाल्जेसिया, एंड ऑन विसरल स्मूथ मसल इट कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो रिसेप्टर है ये दोनों रिसेप्टर पाथवे को फॉलो करता है, एक तो GQ पाथवे, दूसरा है इनहिबिटरी पाथवे। कुछ मसल्स के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है एंड जो हमारा हार्ट का सिस्टम है वहां पे ये इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाता है। तो M2 रिसेप्टर स्पेशली लोकेटेड ऑन द हार्ट एज वेल एज CNS। ओके, चलो नेक्स्ट वन इज M3 रिसेप्टर, विसरल स्मूथ मसल। इट कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन। तो M3 रिसेप्टर जो हमारे विसरल स्मूथ मसल्स के ऊपर प्रेजेंट है ये कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट करता है। ऑन आयरिस इट कॉजेस कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल के साइज को ये छोटा कर देता है। सिलियरी मसल्स इट कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इट कॉजेस इंक्रीज इन द सिक्रीशन। एंड ऑन वैस्कुलर एंडोथेलियम इट कॉजेस रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड विच लीड्स टू वैसोडाइलेशन। तो M3 रिसेप्टर क्या करेगा, ग्लैंडुलर सिक्रीशंस को बढ़ा देगा, आयरिस एंड सिलियरी मसल्स के सिलियरी जो मसल्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एंड जो हमारा ब्लड वेसल्स का सेक्शन है वहां पे ये नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज होने के लिए मदद करके वैसोडाइलेशन कॉज करेगा। तो M3 रिसेप्टर किस रिसेप्टर पाथवे को फॉलो करता है? इट फॉलोज GQ रिसेप्टर पाथवे। तो ये भी एक स्टिमुलेटरी रिसेप्टर है। और भी कुछ पॉइंट्स है लाइक ट्रांसड्यूसर। तो M1 रिसेप्टर में जो सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल्स है वो कौन से हैं? IP3 एंड DAG, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट डाइएसाइल ग्लिसरॉल, विच इंक्रीजेस साइटोसोलिक लेवल ऑफ कैल्शियम। तो ये क्या करेंगे,
कैल्शियम की लेवल को साइटोप्लाज्म में बढ़ा देंगे, एज वेल एज इट एक्टिवेट फॉस्फोलाइपेस ए टू एंजाइम विच कॉजेस सिंथेसिस ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये क्या करता है, फॉस्फोलाइपेस ए टू एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसके कारण प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस बढ़ेगा। एंड यू नो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस के कारण आपके बॉडी में इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स का रिलीज बढ़ता है विच कॉजेस इंफ्लेमेटरी रिएक्शन। तो M1 का स्पेशल एगोनिस्ट कौन है, इट इज ऑक्सोट्रिमोडिन। एंड M1 का जो स्पेशल एंटागोनिस्ट है वो है पाइरेन्जेपिन एंड टैलिन्जेपिन। M2 रिसेप्टर के ट्रांसड्यूसर्स कौन है, देखो ये एक GI रिसेप्टर पाथवे को फॉलो करता है, मतलब यहाँ पे साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट की लेवल कम होगी। स्पेशल एगोनिस्ट मिथाकोलिन एंड स्पेशल एंटागोनिस्ट मिथोट्रामाइन एंड ट्रिप्टामाइन। तो यहाँ पे ये जो दो ड्रग है ये स्पेशल एंटागोनिस्ट है M2 रिसेप्टर के, वन इज मिथोट्रामाइन एंड दूसरा है ट्रिप्टामाइन। M3 रिसेप्टर, इसका जो स्पेशल ट्रांसड्यूसर मॉलिक्यूल है वो है IP3 एंड एक्ट सेम एज M1। एंड स्पेशल एगोनिस्ट बीथेनकोन एंड स्पेशल एंटागोनिस्ट सोलिफेनासिन एंड डायरीफेनासिन। तो ये जो ड्रग्स हैं वो स्पेशली M1, M2, M3 रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर स्पेशल एगोनिस्ट एंड स्पेशल एंटागोनिस्ट ऑफ दिस रिसेप्टर। तो बच्चों जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट।